देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज ऑनलाइन हिंदी न्यूज। खबर नवादा जिला से है। नवादा साइबर थाना की पुलिस ने दो साइबर ठग को गठित SIT टीम द्वारा कांड संख्या 45/23 धारा 409, 420, 467, 468, 120B, भादवी एवं 66/66 आई एक्ट के अनुसंधान के क्रम में सर्च के अनुसार छापेमारी कर पकड़ा। इसमें संलिप्त जितेंद्र कुमार एवं सत्येंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया। कुल 12 लोगों के द्वारा बैंक से भेजे गए कुल 328352 रुपये फ्रॉड के जमा होने का नोटिस दिखाया गया था, तो वहीं 80 लोग दिनांक 16 सितंबर 2023 को साइबर थाना आकर शिकायत किए थे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में गिरफ्तारी एवं छापेमारी की। साइबर थाने के पुलिस ने बताया कि इनके द्वारा श्रम कार्ड बनवाने के नाम पर लोगों को ठगा जाता था। इन्हें कहा जाता था कि सरकार द्वारा 5500 रुपये प्रति माह दी जाएगी। इनमें से एजेंट को 500 रुपये देना होता है। उनके अंगूठे का निशान लेकर एवं आधार कार्ड का उपयोग करके पहले ये नया सिम निकालते थे, फिर उनके नाम पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट खोला जाता था। इन अकाउंट को साइबर अपराधियों को बेचा जाता था एवं इन अकाउंट पर साइबर अपराध के पैसे जमा किए जाते थे और जिनके कारण इन लोगों का ठगी का धंधा चल रहा था। इन्होंने बताया कि इसी क्रम में इन लोगों को पकड़ा गया और पकड़े गए ठगों को आगे की कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया। नवादा जिला से सुजीत कुमार संग अनिल शर्मा की रिपोर्ट। हमारे साइबर थाना में दौलतिया गांव थाना मुफस्सिल नवादा के कुल 80 लोग आए थे, जिन लोग का एक सिंगल कंप्लेन था कि श्रम कार्ड बनवाने के नाम पे उनके नाम पर फ्रॉड अकाउंट्स खोले गए हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के। हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई की और हमने छापेमारी की। कुछ ही घंटों में हम लोग दो लोगों को अरेस्ट करके लाए और हमने बहुत सारी चीज़ों को बरामद भी किया है। इन लोग का मोडस ऑपरेंडी ये होता था कि ये लोग इन लोगों को बुलाते थे श्रम कार्ड के नाम पे और लोगों को बोलते थे कि सरकार के द्वारा आपको 5500 रुपये महीना दिया जाएगा, जिसमें से 500 रुपये आप मुझे हर महीने दोगे, बाकी आप रखोगे। तो ये लोग चले आते थे। फिर यहाँ एक दुकान है, उस दुकान में उन लोग का फिंगरप्रिंट नगर थाना से थोड़ा आगे जाके एक दुकान थी अमन कुमार का, उस दुकान में वो लोग फिंगरप्रिंट स्कैन करवाते थे इनसे और सबसे पहले एक सिम जनरेट करते थे। सिम एक्टिवेट होने के बाद इन लोगों का आधार कार्ड लेके और इनके नाम पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट खोलते थे। अकाउंट खोल के इन लोगों को कुछ पता नहीं चलता था कि इनके नाम पे अकाउंट्स खुल गए हैं। इन लोगों को कुछ नहीं देते थे वो डेटा और वो अकाउंट्स को साइबर क्रिमिनल्स को बेच देते थे। फिर साइबर क्रिमिनल्स द्वारा उन अकाउंट्स पे फ्रॉड के पैसे जमा किए जा रहे थे। तो 12 लोगों को कुल नोटिस गया है बैंक के द्वारा कि आपके अकाउंट पे ये लिए अमाउंट सबमिट हुआ है। तभी ये लोग सब घबरा के कुल 80 लोग हमारे पास आए थे। हमने त्वरित कार्रवाई की है और अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी हम भविष्य में सुनिश्चित करेंगे जल्द ही। हमारे पास अभी 2 गिरफ्तारी हुई है, जिसमें पहले है जितेंद्र कुमार ग्राम महेश डी के, दूसरे हैं सत्येंद्र कुमार मोहल्ला न्यू एरिया, दोनों नवादा जिला के हैं। इसमें जो सत्येंद्र कुमार हैं, इनकी वाइफ के नाम पे ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का आईडी था जो ऑथराइज्ड थी लोगों के अकाउंट्स खोलने के लिए। उन्होंने ये जितेंद्र कुमार को हायर कर लिया था, जिसे वो कोई पैसा महीना नहीं देती थी, और ये जितेंद्र कुमार और लोगों से मिलकर गरीब भोले वाले लोगों को उल्लू बना के उनके नाम पे अकाउंट्स खोल खोल के उनको बेच रहा था। और ये सत्येंद्र के नॉलेज में था, इनकी वाइफ भी थी रिस्पॉन्सिबल, वो भी हैं क्योंकि ये उन्हीं की आईडी थी, उनके सरकार में मोबाइल को लेके ये ऐसे काम कर रहा था। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बरामद की है, जिसमें मोबाइल फ़ोन कुल 18 है, मोबाइल बैटरी 5 है, सिम कार्ड 223 है, पासबुक 20 है, आधार कार्ड 55 है, ATM कार्ड 12 है, ड्राइविंग लाइसेंस 12, पैन कार्ड 4, ई श्रम कार्ड 2, वोटर कार्ड 1, चेकबुक 2, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का कार्ड 103 है, पेन ड्राइव 4, आधार कार्ड का फिंगरप्रिंट मशीन 3, फोटो प्रिंट पेपर 32, HP का प्रिंटर 1, लेमिनेशन मशीन 1 एवं मोटरसाइकिल 1। सत्येंद्र की पत्नी का क्या नाम है जिसके जो ऑथराइज थी पोस्ट इंडिया? सत्येंद्र की वाइफ का नाम विजयोत्मा देवी है, वो पचाड़ा पोस्ट ऑफिस में एज ए पोस्ट मास्टर है। मैम, इनके द्वारा अब तक कितना का फ्रॉड किया गया है? अभी जो 12 लोग के वो आए हैं नोटिस आए हैं, उनमें कुल 3,28,000 रुपए जमा हुए हैं लिए अमाउंट।
बाकी हम लोग अंडर इन्वेस्टिगेशन है कि इन्होंने कितने अकाउंट्स अभी टिल डेट खोले हैं जब से इंक्वायरी मिला है और उसमें कितना फ्रॉड के पैसे जमा हुए हैं। इट विल नीड टाइम क्योंकि हमने मेल भेजा है पर वो फर्दर प्रोसीड हुआ है कोलकाता हेड ऑफिस के लिए तो वहाँ से रिप्लाई आने में थोड़ा समय लगेगा। रिलीज है क्या